वेलकम बैक। टुडे आई विल बी कुकिंग मैगी। मैं आज वेज मैगी बना रहा हूँ अभी, सो जल्दी बन जाएगा। सिंपल मैगी आती है ना, बस वही बना रहे हैं, वेज मैगी बना रहे हैं। इसमें यार मैं सीजनल वेज यूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरे को मटर, गाजर, बीन्स, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा। आपको चाहिए तो यार आप इसमें प्याज डाल सकते हो, आलू काट के डाल सकते हो, मूँगफली का इस्तेमाल कर सकते हो। चॉइस लाइक अनलिमिटेड है, जितना भी चाहे जो चाहिए आप इस्तेमाल करो। इसमें मैं अपनी पसंद की सब्ज़ी मैं खा सकता हूँ, जो मैं खाता हूँ यार मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और चलो बनाते हैं। फिर इसमें डाल रहे हैं ऑयल, दो तीन चम्मच तेल होगा, दो तीन चम्मच बड़ा चम्मच तेल है। इसको थोड़ा गर्म करते हैं। पहले डाल रहे हैं मिर्ची, हरी मिर्च है, बस 10 सेकंड एक बार सर्कल लो डाल के। एंड देन इसमें मैं यहाँ पे लिया हूँ, देखो गाजर है, मटर है, बीन्स है, ये सारे चीज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसको बस 3 से 4 मिनट ऐसे सौदा कर लो अच्छे से, क्योंकि पानी पड़ेगा, मैगी पड़ेगा तो बॉईल तो होगा ही है और उसमें और भी कुक हो जाएगा। इसमें डाल रहे टमाटर, ये आधा टमाटर डाल रहा हूँ। टमाटर बड़ा था तो मैंने आधा लिया, और टमाटर छोटा है तो आप छोटे से इसको ले लो। एक टमाटर, टमाटर डालते ही इसमें हम मिलाएंगे मसाले। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच होता हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर जीरा पाउडर और पिंक सॉल्ट थोड़ा सा। एंड लाल मिर्च पाउडर या तीखा जितना आपको चाहिए उस हिसाब से डाल लो। ये मैं यहाँ डाल रहा हूँ यार, ये मैगी मसाला पाउडर होता है ना, तो पैकेट में आपको 2 मिलेगा अगर, तो एक अभी डाल रहा हूँ और एक मैगी बनाते वक्त डालेंगे। इसको डाल के अच्छे से स्टर कर लो, 2 मिनट बस ऐसे सौते करना है। ये हो गया, इसमें डालेंगे हम पानी 1 गिलास, जितना आपको नूडल्स सूपी चाहिए या ड्राई चाहिए उस हिसाब से आप पानी को नहीं डाल सको। मैं डाल रहा हूँ ताकि खाली बस पकने के लिए, बहुत ड्राई भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना, तो मेरे को थोड़ा कहीं बीच में चाहिए नॉर्मल, तो मैं उस हिसाब से पानी डाल रहा हूँ। 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल करूँगा, 1/2 गिलास और बस ये हो गया। इसको अभी फुल फ्लेम पे करके ब्रिंग इट टू बॉयल। आप चाहो तो इस स्टेज पे ना इसको उठा के ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो कितना तीखा या नमक जो भी है आप एडजस्ट कर लो। ये बॉईल हो गया, अब यार डालेंगे इसमें मैगी। मैगी देखो यार 2 तरीका है डालने का, मैगी डालने का देखो यार 2 तरीका है। या तो आप इसको 20 से ऐसे करके 4 हिस्से में करके यू नो तब आप डालो, छोटे नूडल्स बनेंगे। या फिर मैं क्या करता हूँ इसको आप ना 20 से स्प्रेड करो, 20 से 2 करो ऐसे, बस ये मिला दो, ताकि इससे क्या होता है ना लंबा रखने से, अगर इसको डालेंगे आप बॉयल होगा सॉफ्ट होगा ये, आप स्टर करोगे तो टूटेगा ये, ठीक है। चावल तो है नहीं कि संभाल संभाल के घुमा लोगे, उबालोगे चलाओगे मिक्स करोगे तो मैगी टूटने का चांस रहता है। तो यार अगर आपको बड़े वो चाहिए ना नूडल्स, जैसे खाते हैं ना तो बड़ा बड़ा नूडल्स क्लियर आती है, वैसे चाहिए तो थोड़ा बड़ा डालो,
ताकि स्टर भी करो आप, टूटे भी तो थोड़ा कम टूटेगा और अच्छे से आएगा फिर वो, वरना अगर सिर्फ बाइट ही लेना है नॉर्मल तो फिर जैसे मन करे वैसे डालो। अब इसमें जो एक पैकेट मसाला बचा था ना मैगी का, वो डालेंगे अब। डाल के अच्छे से मिक्स करो। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे करके इसको मैं ढकूंगा 2-3 मिनट के लिए। देखा देखो अच्छे से उबल गया है। एक बार इसको स्टर कर लो ताकि नीचे अगर चिपके ना, हल्का सा चिपक रहा होगा ना, निकल जाएगा फिर वो। थोड़ा सा इसको एक बार स्टर करके अब इसी स्टेज पे इसको गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसका पानी अभी और एब्जॉर्ब होगा। मैगी को यार गार्निश करने के लिए ना, गार्निश मैगी को क्या क्या ही करोगे, दो चीज़ें हैं, या तो इसको ऊपर भुजिया डाल के खा लो, आलू भुजिया, बेसन की भुजिया, ठीक है, ये सारी भुजिया आते हैं ना, उसको डाल के खा लो, या फिर इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करके डाल लो, घिस के डाल लो चीज़ वगैरह, या फिर एक सनी साइड अप, या फिर क्या कहते हैं हाफ फ्राई बना के अंडे का वो ऊपर डाल लो। सबसे बेस्ट होता है इसमें चाहिए आपको या तो फ्राइड एग, या फिर एग पोच किया हुआ इसके ऊपर डाल के यू नो फिर खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन खाली मुझे ऐसे वेजिटेरियन ही रखना था तो खाली वेज बना रहा हूँ, इसलिए खाली वेज ही दिखा रहा हूँ मैं, वरना अगर आप चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करो, बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बार वीडियो बनाऊँगा मैगी का, तो फिर मैं उसमें आपको दिखाऊँगा अंडे का भी एंड चिकन का भी, एवरीथिंग, नॉट ओनली मैगी, नूडल्स, पास्ता, एवरीथिंग। सो आई होप यार ये डिश आपको अच्छी लगी होगी यार, ये रेसिपी लाइक बहुत सिंपल रखा हूँ, कुछ ज़्यादा बकवास नहीं है इसमें, ठीक है, एकदम ईजी रखने की कोशिश किया हूँ। एंड आई होप यार आपको अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी योर थाट्स अबाउट दिस रेसिपी, एंड कुछ आपका खुद का पर्सनल मैगी रेसिपी है वो भी बताओ, एंड मुझे फॉलो कर सकते हो यार इंस्टाग्राम पर जाके, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा हूँ, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक माई वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you guys in the next video.